हे गाइस, मैं हूँ कंचन और आज मैं बनाने जा रही हूँ गंधारी साग और चना दाल की रेसिपी। मेरे वीडियो को देखने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गंधारी साग और चना दाल रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर में दाल को उबालेंगे। तो उसके लिए मैंने कुकर को चढ़ा दिया है पानी डाल के गैस पे। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप चना दाल। आप चाहें तो 1 कप या ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने क्वांटिटी के अनुसार। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है चना दाल, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसको मैं डाल दूँगी कुकर पे और साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। और मैंने दाल को फुलाया नहीं है, तो आप चाहें तो दाल को भिगो के रख सकते हैं, लेकिन मैंने सी पीस को वॉश करके लिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा मीठा सोडा यूज़ करूँगी, यानी खाने का सोडा। और इसको मैं 2 विसल लगा लूँगी। यहाँ पे सीटी लग चुकी है और दाल मेरा पूरी तरह गल चुकी है। तो मैंने यहाँ कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। और साग बनाने के लिए सरसों का तेल ही अगर हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैंने 1 चम्मच यहाँ पे डाल दिया है घी, ताकि टेस्ट थोड़ा और अच्छा आ जाए। आप चाहें तो सिर्फ घी से ही इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घी भी यूज़ किया है और तेल भी। तो तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम काजू फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 8-10 काजू, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो हल्का सिर्फ फ्राई करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है काजू को। काजू फ्राई हो जाने के बाद काजू को हम निकाल लेंगे। तो काजू हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसमें मैं डाल दूँगी जीरा। जीरा चटक जाने के बाद यहाँ पे मैंने 1 ग्रीन चिल्ली भी ऐड किया है, जिसको मैंने बीच से कट कर लिया है। और जीरा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है, प्याज को भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ प्याज को हमें सॉफ्ट करना है। तो प्याज को हम इस तरह मिला लेंगे, फिर हम ऐड कर देंगे साग। तो यहाँ पे मैंने साग को अच्छे से वॉश करके इस तरह छोटे छोटे कट करके मैंने साग को ऐड कर दिया है। और हम लोग इस साग को गंधारी साग बोलते हैं, हरा गंधारी। और लाल वाले को भी गंधारी बोलते हैं, लाल साग और हरा साग। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साग को मैंने यहाँ पे मिला लिया है और इसमें मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद फिर हम साग को मिला लेंगे। नमक हम जैसे ही डालेंगे तो साग से हल्का हल्का पानी निकलना शुरू हो जाएगा और साग की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है। और देख सकते हैं पानी निकल चुका है। तो इसको हम अब ढक कर मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि पानी इसका सूख जाए। आप चाहें तो बिना कवर किए हुए भी पका सकते हैं। मैंने साग में डंठल भी यूज़ किया है, जिस वजह से मैंने इसको ढक दिया था। तो अब मैं यहाँ पे दाल को मिक्स कर दूंगी। दाल मेरा थोड़ा गल चुका है। इसमें अगर आपके दाल दाने दाना दाना रहता है तो अच्छा लगता है, अगर लेकिन मेरे दाल थोड़े गल चुके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा बना है। तो यहाँ पे दाल को भी हम मिला लेंगे। और दाल को मिलाने के बाद फिर हम 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और 1-2 मिनट के लिए बीच में छोड़ देंगे। अगर लटकने लगे तो फिर इसको हम बीच से इस तरह मिलाते रहेंगे। और दाल नीचे से लटक रहा है तो इसको हम इस तरह मिलाते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे तो फिर पूरा जो दाल है वो नीचे से लटक जाएगा। दाल और साग को मिक्स करके हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। यहाँ साग फ्राई हो चुकी है, तो अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा किशमिश। और साथ ही जो हमने फ्राई करके काजू रखे थे उसको भी ऐड कर देंगे।
और काजू को भी ऐड करने के बाद इस तरह हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा सिर्फ फ्राई करेंगे। और ये हमारा दाल और गंधारी साग की रेसिपी बनके रेडी है। कैसी लगी है रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को तक टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।